स्वागत है आप सभी का इंडेक्स विलन डी में। बैठो यार, बहुत सारी मूवीज देख ली हमने, आज हम एक और मूवी देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे एक लड़के की लाइफ पूरी, कि वो क्या था और क्या से क्या बन गया वो। ओके, तो फिल्म की शुरुआत में हम सबसे पहले देखते दो एस्ट्रोनॉट को जो कि स्पेस में जा रहे होते हैं। इनका इंटरव्यू चल रहा होता है यहाँ पर। इनमें से एक जो है वो बहुत बार जा चुके हैं पहले भी, पर जो दूसरा वाला है जो हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, इसका नाम माँ होता है, ये फर्स्ट टाइम जा रहा होता है, ये बहुत खुश है। न्यूज़ रिपोर्टर इन दोनों की फैमिली से बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहती है, बट यहाँ पर माँ की फैमिली जो है वो नहीं आई होती, उनकी चेयर खाली होती है। और यहीं से स्टोरी फिर पास्ट में चली जाती है, सितंबर 1990 में, यानी कि सितंबर 1990 में, जब माँ बहुत ही छोटा था। आज एशियन गेम होने वाला है और उसके लिए सारे यहाँ पर खुश होते हैं और अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रहा होता है। यहीं पर हम माँ के फादर से मिलते हैं जिनका नाम हाउ होता है। इन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि चाइना की आन बान शान होता है, मतलब इतना तगड़ा ब्रिज चाइना में आज से पहले कभी नहीं बनाया है। और इसका जो सारा क्रेडिट है वो इसके फादर को जा रहा होता है। आज मस्त इसका उद्घाटन हो रहा होता है, सब खुश होते हैं, यहाँ पर सारी खुशियाँ मनाई जा रही होती है, बट अगले ही पल वो पूरा पुल टूट के गिर जाता है इनकी आंखों के सामने। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, माँ के फादर हाउ को 7 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। माँ की मोम अगले हफ्ते ही आ जाती है इसके फादर यानी हाउस से मिलने के लिए, कहती है कि मुझे तुम्हारी बीबी होने में शर्म आती है अब, ठीक है, तो मुझे तलाक दे दो, मुझे घुट घुट के नहीं जीना। और इसे तलाक ले लेती है और हाउ दे भी देते क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनका जो बेटा है वो ऐसी लाइफ जिए। फिर हम देखते बाहर जहाँ पर माँ को बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा होता है। बच्चे इसको बुली करते हैं कि तेरे पिताजी ने एक पुल बनाया जो कि टूट गया। यहाँ पर जेल में भी इसके फादर हाउ को बहुत ही ज़्यादा बुली का सामना करना पड़ रहा होता है। दोनों की ज़िंदगी एकदम ख़राब करके रख दी है। और माँ दिन भर बुली होकर जब घर पर शाम को आता है तो अपनी मम्मी को एक मेंग नाम के आदमी के साथ प्यार मोहब्बत करते हुए देख लेता है। अब बच्चे के लिए देखना अभी ऐसी सिचुएशन में कितनी अजीब बात होगी। ये आदमी माँ से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर सुधार दूंगा, तुम्हारी मोम की जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा अच्छे अच्छे स्कूल में, सब कुछ कर दूंगा मैं तुम्हारा। और इसके बाद इस सीन कट होता है और हम देखते हैं 7 साल बाद का सीन। यहाँ पर जो हाउ है वो जेल से फाइनली छूट कर बाहर आ गए होते हैं। सबसे पहले हाउ जेल से छूट कर अपने घर ही आते हैं। यहाँ पर लोग जो होते हैं इनके पड़ोसी, वो इसको उल्टा सीधा बोलने लग जाते, कहते कि तेरा पुल टूट गया, तूने बनाया था, तूने हमारी सिटी हमारे एरिया को बदनाम किया है, निकल यहाँ से। और देखो बोल भी कौन रहा है, जो पी के पड़े रहते भाई गली में यहाँ पे ये साले। अब यहाँ से ये परेशान होकर चले जाते हैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए, यानी एक्स वाइफ से, और ये मैंग के घर जाते हैं। यहाँ पर ही मैंग के साथ ही रहती है अब 7 सालों से। और हाँ, वो अपने बेटे से मिलने आए होते हैं, बट इसकी वाइफ कहती है कि वो यहाँ नहीं है, वो तो स्कूल में रहता है और वहीं पर रहता है, इधर नहीं आता वो। तभी स्कूल से कॉल आती है कि माँ को स्कूल में डांटा जा रहा है क्योंकि एक फेलियर, उसको कुछ नहीं आता, वो क्लास बंक करता है, निकालने वाले उसको स्कूल से। इसकी मोम मैंग दोनों भागकर स्कूल जाते हैं। प्रिंसिपल पूरे स्कूल के सामने माँ को जलील कर रहा होता है खड़ा करके बीच में। दोनों यहाँ प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे बेटे को मत निकालो। प्रिंसिपल इन दोनों को भी यहाँ पर जलील कर देता है। तब यहाँ पर हवा कर कहते हैं कि तुम्हें बस बड़े बड़े स्टूडेंट जो कि अच्छा पढ़ते उन्हीं की कदर है, छोटे स्टूडेंट की बिल्कुल तुम्हें कदर नहीं है। प्रिंसिपल ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है। हाउ कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मेरे बेटे को मैं इस सेमेस्टर यानी कि एग्जाम टाइम तक टॉप 10 स्टूडेंट में लेकर आ जाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ सके और इसी स्कूल से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। प्रिंसिपल थोड़े दिन के लिए मान जाता है। हाउ माँ को लेकर अपने साथ जाने लग जाते हैं, बट माँ जो होता है अपने फादर पर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने 7 साल में कभी इससे बात नहीं की, ना लेटर लिखा ना कुछ किया। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। और जब ये घर जाते हैं तो इनके पास घर ही नहीं होता है। फिर अगले दिन इसको हाउ लेकर एक जगह जाते हैं जहाँ पर ये काम करने वाले हैं। यहाँ इनको कोई भी काम नहीं देता, इनका जो होता है बायोडाटा वायोडा सब देख लेते हैं, बट जॉब नहीं मिलती इनको। यहाँ इनको जलील किया जाता है। यहीं बाहर एक लू नाम का पर्सन मिलता है। लू एक नंबर का हरामी होता है, ये सबको बुलाता है। फिर हाउ की बहुत बेइज्जती करता है कि इसने पुल बनाया था जो कि टूट गया, इसने पैसे खाए थे, ये किया था वो किया था। माँ को गुस्सा आ जाता है और वो इस लू को धक्का मार के गिरा देता है। कुछ दिन बाद फिर से ये लू को मिलते हैं वहीं पर रास्ते में। लू एक लीडर है और इसका कुछ काम अटका पड़ा होता है, कोई भी वर्कर वो काम करने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता, इसलिए हाउ कहता है कि मैं कर सकता हूँ। लू कहता है कि नहीं कर पाओगे तुम, और हाउ उस काम को 2 मिनट से भी कम टाइम में कर देते हैं। लू इससे माफ़ी मांगता है और पैसे देता है और कहता है इस नौकरी पर हेलो मेरे यहाँ। और फिर इसके बाद ऐसे ही जो लू का बॉस होता है वो हाउ को नौकरी पर रख लेता है और फिर इनको एक छोटा सा घर भी देता है रहने के लिए। एंड माँ और हाउ अब दोनों के पास घर है तो ये अच्छे से रह सकते हैं और सो भी सकते हैं। हाउ यहाँ पर रात को माँ से कहता है कि देखो, मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा क्योंकि तुम्हें स्कूल में एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और टॉप 10 में आता है। माँ भी ठान लेता है कि बिल्कुल करके रहूँगा और टॉप 10 में आऊँगा। और अगले दिन से पढ़ना शुरू कर देता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, मेहनत करता है। और जो हाउ है वो ज़्यादा काम करके पैसे वैसे बटोर कर इसके लिए कंप्यूटर भी खरीद कर लाते ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब माँ और भी अच्छे से पढ़ाई करता है। और एक दिन इनसे मिलने के लिए माँ की जो है क्लास टीचर आती है माँ को चेक करने के लिए, जहाँ माँ कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है।
और फिर ये टीचर देखती है, टीचर को पता है कि माँ अच्छा कर रहा है क्लास में, क्योंकि क्लास टीचर को पता होता है। अब यहाँ से प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि वो पढ़ाई में अच्छा हो गया, पर प्रिंसिपल पे कक फर्क नहीं पड़ रहा होता है कोई। और एक दिन माँ को कुछ चोर पकड़ लेते हैं रास्ते में स्कूल आते हुए और इसे मारने लगते हैं, और फिर हाउ आकर इसको बचाते हैं और कहते हैं मैं इनसे लड़ लूंगा तुम स्कूल जाओ। और फिर हाउ उन गुंडों से लड़ते हैं, माँ स्कूल आता है बट लेट हो जाता है, तो प्रिंसिपल इसको पकड़ कर घसीट कर ऐसी तैसी करता है यहाँ पर इसकी, और इसकी क्लास टीचर को भी स्कूल से थोड़े दिनों के लिए निकाल देता है, क्योंकि प्रिंसिपल का कहना था कि तुम उस गंदे बच्चे की साइड ले रही थी वहां पर। और फिर हम यहीं पर हाउ को देखते हैं जिन्हें बहुत चोट लगी होती है और उन चोरों ने इनको बहुत बुरी तरह से मारा है, इतना कम नहीं होता। तभी इनके पड़ोसी बाहर आ जाते हैं जिन्हें पता चल गया होता है कि ये वही आदमी है हाउ जिसने पुल बनाया था जो कि टूट गया था, जिससे पैसे चुराए थे, मतलब वही सारी बातें। और यहाँ पर इसको घर से निकालने की बात करने लग जाते हैं। गुस्सा आता है हाउ को, उठता है, गेट बंद कर देता है सबको भगाकर, कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और अगले दिन माँ अपने फादर को इतना कुछ देख कर एक कागज पर नोट लिखता है कि मैं आपके जैसा बनूंगा और कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, और उस कागज को रख देता है। और फिर हाउ पुलिस स्टेशन जाते हैं कुछ पेपर्स लेकर। पुल में जो भी मटेरियल यूज किया गया था जिसकी वजह से वो टूटा था, उसकी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हाउ की कोई भी गलती नहीं थी। पर पुलिस वाले इनकी एक नहीं सुनते और भगा देते हैं। हाउ अब पुलिस से ठोकर खाने के बाद गुस्से में अपने बेटे पर चिल्ला देते हैं और फिर बाद में माफी भी मांगते हैं। माँ कहता है कि हमें एयर शो देखने जाना चाहिए, पर प्रिंसिपल स्कूल की साइड से इसको नहीं जाने देता, कहता तेरे एग्जाम है तू नहीं जाएगा। और हाउ अपने बेटे को उदास नहीं देख सकते, इसलिए वो इसको लेकर जाते हैं। टिकट ना मिलने पर इसको एक हिल पर चढ़ाते हैं और वहां से बहुत अच्छे से वो शो दिखाते हैं, और दोनों बस में वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में बस से उतर कर ये सामान लेने चला जाता है और गलती से दूसरी बस में घुस जाता है, और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है, बाढ़ आ जाती है, पूरा तहस नहस हो जाता है एरिया। बट कैसे भी करके हाउ इसको ढूंढ निकालते हैं और माँ एक बोट लेकर इनके पास आता है, इसको रेस्क्यू किया जाता है। कुछ दिन बाद एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट भी आता है, पर माँ टॉप 10 में नहीं बल्कि 64 में आया होता है, पर हाउ बहुत ही खुश है। यहाँ क्लास टीचर को शक है कि प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ गड़बड़ की गई थी, ये जाकर उसका पेपर निकाल कर लाकर हाउ को दे देती है। हाउ पुलिस लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे टीचर होते हैं और कहते हैं कि इसमें सब कुछ अच्छा लिखा है, इसने फिर भी इसको नंबर कम दिए गए। माँ को कहा जाता है कि जो तुमने एस्से लिखा पढ़ के दिखाओ। माँ अपना एस्से शुरू करता है, इसने अपनी लाइफ के बारे में लिखा होता है इसमें कि कैसे जब मैं छोटा था तो मेरे फादर को पुल तोड़ने के लिए जेल में डाला गया, मेरे को बुली किया गया, मेरी मॉम का क्या हुआ, और फिर उसके बाद मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ और अब मैं आगे एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। स्कूल के सभी टीचर ही सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं कि तो काफ़ी अच्छा लिखा गया है, और उसको अच्छे नंबर दे देते हैं। और तभी स्कूल में एक जंगली लड़का आ जाता है। जंगली से मेरा मतलब ये था कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हाउ कहता है कि सब कोई जितने भी लोग यहाँ पर, प्रिंसिपल से पूछो कि ये जो लड़का घूम रहा है पर आदिवासी के माफी कि कौन है। प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे क्या पता कौन है। हाउ बताता है कि एक टाइम पर बहुत अच्छी स्टडी करता था ये, प्रिंसिपल को नाश था अपने बेटे पर एक दिन के एग्जाम में वो अच्छे नंबर नहीं ला पाए, इसलिए प्रिंसिपल ने इसको स्कूल और अपने घर दोनों से निकाल दिया और अपना बेटा मानने से भी मना कर दिया जस्ट एक नंबर के पीछे। और लड़के ने परेशान होकर छत से कूद कर जान देनी चाहिए, बट वो किस्मत खराब थी बच गया और अब लावारिस बन के रोड पर घूमता रहता है। प्रिंसिपल उसे अपने घर भी नहीं आने देते। प्रिंसिपल यहाँ रोने लगते हैं और यहीं पर ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं और हम माँ को देखते हैं जो कि बड़ा हो गया होता है और वो एक एस्ट्रोनॉट की एकेडमी भी ज्वाइन कर लेता है, और हाउ ने क्लास टीचर से शादी कर ली होती है। और हाउ एक दिन फाइनली पता लगा लेता है कि जो पुल टूटा था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो लड़ता है, झगड़ता है, बट इसे वो सुन नहीं रहा होता। ये इस बारे में अपने बेटे माँ से बात करता है, बट माँ कहता है कि जाने दो यार, हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो हमें क्या पंगे लेने की जरूरत है। दोनों बाप बेटे की बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हो जाती है और हाउ अपने बेटे से इतना नाराज हो जाते हैं कि वो इसको छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। और फिर हम वहां से सीधा प्रेजेंट में आ जाते हैं। उसी टाइम से बाप बेटे नहीं मिले, बहुत साल बीत चुके हैं। माँ स्पेस में आ गया होता है और पूरा चाइना को प्राउड कर रहा होता है यहाँ पर आकर कि मतलब हमारा चाइना का जो स्पेसशिप है वहाँ पर गया हुआ है। तभी इनके एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से इनका जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाता है, खराब हो जाता है किसी कारण से। और कुछ दिन ये दोनों यहाँ पर स्पेस में बिताते हैं बिना बात किए हुए किसी से। तभी माँ को एक लेटर मिलता है, ये वही लेटर है जिससे इसने बचपन में लिखा था अपने पिता के लिए कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। लेटर पढ़ के जोश में आता है और उससे एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करता है और अर्थ पर कॉन्टैक्ट कर पाते हैं ये लोग, और फाइनली जमीन पर उतर कर आते हैं नीचे। और हाउ आज इसे मिलने के लिए आए हुए हैं। ये अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे होते हैं, बहुत प्राउड कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो फिल्म है वो खत्म हो जाती है। ओके, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।